हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्लास नाइन्थ का है, लेसन है नंबर सिस्टम्स, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम क्वेश्चन उसको रीड कर लेते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पर दिए हैं उनमें डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं वो भी आप समझिएगा। जैसे आप देखिए, ये है न्यूमरेटर और ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रूट का वैल्यू लिखा है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगता है और वो इजी नहीं होते हैं। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट निकाला गया है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। उससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा और हम आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे कैसे अचीव करना है, तो रैशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उस सेम नंबर को लेना होता है, मल्टीप्लाई करते हैं उसे, न्यूमरेटर एज वेल डिनोमिनेटर ऑल्सो, लेकिन उसे कॉन्जुगेट करना होता है, मतलब उन्हीं वैल्यूज को लेते हैं, उन्हीं नंबर्स को लेते हैं न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, लेकिन उनका साइन हम चेंज कर देते हैं। अब वो कैसे हैं आप देख लीजिए। जैसे हमने लिया है रूट थ्री माइनस रूट फाइव, ठीक है, इन वैल्यूज को लिया है, तो इसे रैशनलाइज करना है तो क्या करना होता है, सेम वैल्यूज लिखते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, रूट थ्री और रूट फाइव लेते हैं, लेकिन जब कॉन्जुगेट करते हैं तो साइन ऑपोजिट लेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, तो इसे हम कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई वैल्यू होती है, जैसे हम मान लेते हैं कोई भी एक नंबर हुआ उस पर स्क्वायर है, ठीक है, तो ये स्क्वायर क्या करता है, ये और ये कैंसिल हो जाते हैं और हमारी वैल्यू बाहर आ जाती है। मतलब ये स्क्वायर का मतलब क्या है, वही वैल्यू अंदर दो बार है, तो अगर दो बार ऐसे रिप्रेजेंट होती है तो वो वैल्यू एज सच बिना रूट के बाहर आ जाएगी। ये इसलिए बताएं क्योंकि इन वैल्यूज में, इन क्वेश्चंस में उनका यूज होगा। तो आप कॉन्जुगेट समझ गए होंगे, सेम वैल्यूज लेनी होती है लेकिन उनका साइन चेंज कर दिया जाता है, उससे क्या होता है वैल्यूज रूट से फ्री हो जाती है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें लिखा है 1/√7, ठीक है, तो 1/√7, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्योंकि रूट का वैल्यू आ गया है तो हमें सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, कॉन्जुगेट करना है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, रूट सेवन क्योंकि डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में भी सेम वैल्यू को, एज वेल विद द डिनोमिनेटर ऑल्सो वी हैव टू मल्टीप्लाई रूट सेवन, ओके। सो व्हेन विल मल्टीप्लाई रूट सेवन विथ वन, क्योंकि वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एज सच यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया, रूट सेवन द होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये दो बार है तो ये क्या होगा, कैंसिल होके सेवन फ्री हो जाएगा रूट से, तो ये फाइनल आंसर हमारा आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम जब सेकंड क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर पोजिशन पे हमें दो वैल्यूज रूट में दिख रही हैं, ठीक है, थीके? तो जब हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें ये प्रोसेस करनी होगी, 1/√7 - √6, ठीक है, तो सेम वैल्यूज लेना है, ये तो अभी क्वेश्चन ही लिखा है एज सच, अब मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ, सेम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है रूट सेवन और रूट सिक्स, रूट √7 √6, डिनोमिनेटर में भी एज सच लेना है, साइन एनालाइज करेंगे, साइन कौन सा है माइनस का तो उसका ऑपोजिट साइन लेना है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी हम प्लस ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को जब हम देखते हैं तो ये वैल्यूज जो है ये वन से मल्टीप्लाई अगर होती है तो ये एज सच आ जाएगी, ठीक है, तो रूट सेवन और √6 एज सच आ जाएंगे। जब हम इसे देखते हैं, डिनोमिनेटर वैल्यूज को देखते हैं तो ये कुछ फॉर्मूला बना रहे हैं, जैसे ये है रूट सेवन को ए मान लेते हैं, रूट सिक्स को हम बी मान लेते हैं, इसके बीच में माइनस का साइन है, देन मल्टीप्लीकेशन, रूट सेवन तो हमारा ए था, रूट सिक्स हमारा बी है, तो ये क्या फॉर्मूला बना रहा है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जो इतना बड़ा आपने लिखा है ये फाइनली कन्वर्ट इसमें हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वैल्यू जो ए की हमारी वो क्या है रूट सेवन, उस पर क्या लगाना है होल स्क्वायर, उसके बाद है माइनस का साइन, बी हमारा क्या है रूट सिक्स, उस पर क्या है स्क्वायर, तो वो हम लगा देंगे, तो ये जो वैल्यू थी वो इसमें कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। फाइनली न्यूमरेटर में तो कुछ अब सॉल्व करने के लिए नहीं है तो वो एज सच ही आ जाएगा, रूट सेवन प्लस रूट सिक्स,
डिनोमिनेटर में देखिए, आपको बताएं ये स्क्वायर है दैट गेट्स कैंसल्ड, तो 7 फ्री हो जाता है। रूट 6 का भी स्क्वायर के साथ जब सॉल्व करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। फाइनली हम ऐसा लिखेंगे रूट 7 प्लस रूट 6, 7 में से 6 कट करते हैं तो हमें 1 आ जाएगा। और ये 1 रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा हर नंबर या हर फ्रैक्शन में होता ही है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है रूट 7 प्लस रूट 6, क्योंकि ये वैसे भी p अपॉन q फॉर्म में जिसमें q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ये हमारा फाइनल आंसर इसमें मिल जाता है सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। आप इसे देखिएगा, ये बहुत ही इजीली मैंने एक्सप्लेन किया है जिससे आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाइए, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी इसमें समझा है, इसे पूरा देखिएगा। आपको अगर अच्छा लगता है मेरा एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा और एन्जॉय मैथ्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स रास्ता। बाय बाय, टेक केयर।